प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। राखी ले लो भाई, राखी। हाँ, ओके भाई। राखी ले लो भाई, राखी। हाँ, राखी वाला, राखी वाला, राखी ले लो भाई, राखी, राखी ले लो भाई, राखी वाला, राखी वाला, राखी ले लो भाई, राखी, राखी ले लो भाई, राखी। आप गलत बोल रहे हो भैया। क्या? हाँ, आपको बोलना चाहिए राखी ले लो बहन, राखी। अच्छा, राखी ले लो बहन, राखी। अरे वाह, नींबू मिर्ची वाली राखी कितनी सुंदर है, मेरे भाई सुंदर के हाथ पे अति सुंदर लगेगी। वो राखी नहीं है बहन जी, वो नींबू मिर्च है, उसकी डोर टूट गई इसलिए ऊपर रखा है। भैया, यो राखी कितने की है? 50 रुपए की बस। इतनी महंगी राखी? क्या करें बहन जी, महंगाई का जमाना है। भानुमती जी, मेहनत करने वालों से कभी भावतोल नहीं करना चाहिए, और वैसे भी रक्षाबंधन की बड़ी महंगी गिफ्ट मिलेगी आपको अपने भाव से। फिर भी इतनी महंगी राखी? ओहो, ले लो ना अभी। क्या अभी? 50 रुपए में क्या होता है, ले लो। अच्छा, ये बताइए कि हम इस बार रक्षाबंधन पे कलकत्ता जा रहे हैं ना? हाँ। जा, अगली बार जाएंगे। क्यों? आपने पिछली बार तो कहा था कि अगली बार जाएंगे। हाँ हाँ, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ ना, कह रहा हूँ अगली बार जाएंगे। That's not fair. मुझे तो लगता है अब हमें कलकत्ता शिफ्ट ही हो जाना चाहिए। अंजलि, मैं तो अब आपसे बात ही नहीं करूंगी, जाओ। तो किससे करोगी? हेलो चिंटू भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अरे ये ना, इन बहनों के भाई भी अगर इनसे दूर रहे तो ऐसा लगता है जैसे इसमें हमारी गलती हो, और जब रक्षाबंधन वाले दिन इनका प्यार उमड़ता है अपने भाइयों पे, और तो कुछ नहीं होता, हमारे फोन का बिल बढ़ जाता है। अबे, अरे ड्राइविंग बनाने आती किसे पेंसिल घुमाने आती है, या फिर मैं सिक्का दू? अबे, टप्पू के दोस्त से पंगा लेना मतलब सीधा टप्पू से पंगा, टप्पू के साथ पंगा चंगा ना। अबे, फिर कभी देख लेंगे। कम ऑन गाइस। पढ़ दी। सुनो, अगर वो रॉकी फिर से तुम्हारे साथ कोई शरारत करे तो टप्पू को बोल देना। जरूर, थैंक यू टप्पू। टप्पू अपने दोस्तों से थैंक्स नहीं लेता। टप्पू इज सो स्वीट। सुनो, वर्दी है। बाय। हे अति हो चल रही। या सोनू, काय चल रहा है, काय है? हाँ, मैं देख रहा था अभी, तुमने उस टप्पू से हाथ क्यों मिलाया और उसे थैंक्स क्यों कहा? बाबा, रॉकी है ना, रास्ते में मेरे बाल खींच रहा था। काय? टप्पू ने डांट कर उसे भगा दिया। अच्छा किया टप्पू ने, बहुत अच्छा किया।
तू कल से ना टप्पू के साथ ही आना जाना। ओके आई। ए एक मिनट, ओके आई क्या? ओके आई क्या? काई गरज नहीं है। क्यों? सवाल मत करो सोनू, तुम्हें पता है ना उस टप्पू ने अपने घर के बाहर कैसे हंगामा खड़ा कर दिया था। अरे उस टप्पू में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। अरे हमारे जमाने में डिसिप्लिन हुआ करता था। आई मुझे भूख लगी है। अच्छा, अरे तू फटाफट फ्रेश हो ले, मैंने तेरे लिए पोहे बनाए हैं। हाँ जा। हेलो मंदार, अरे कैसा है तू? कैसा संतोष का है? वेरी गुड। अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया? अच्छा हाँ हाँ वेरी गुड। अच्छा पार्टी पाहिजे मला। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके ओके बाय। अरे सुनिए अपना मंदार है ना। कौन मंदार? मेरा कजिन। हाँ। उसने शादी कर ली है। अरे वाह, उस टपोरे को लड़की दी किसने? अरे उसकी बचपन की दोस्त है ना चिंकी, उसके पड़ोस में रहती थी, परिवार वालों ने मना कर दिया तो उन लोगों ने भाग के शादी कर ली। अरे 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 अरे, उस पड़ोसी की लड़की के तो भाग फूट गए, नसीब फूट गया उसका, मंदार से शादी कर ली। शी 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 शी। अरे उसे उस मंदार से तो बचपन में ही दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, ये बचपन की दोस्ती आगे जा। सोनू भी टप्पू की दोस्त है और टप्पू भविष्य में डॉन नहीं तो टपोरी तो बनेगा ही। अगर टप्पू ने सोनू को फंसा कर भाग कर शादी कर ली तो मेरी होशियार सोनू उस अनकल्चर्ड घर में बहू बनेगी और जेठा मेरा समधी। नहीं 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 नहीं। काय हो? काय झालं? नहीं काय नहीं। अच्छा सुनिए, रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, मेरे भाई को राखी कुरियर कर देना। हाँ रक्षाबंधन। अरे हाँ, अगर सोनू टपू को सबके सामने राखी बांध दे तो टेंशन ही नहीं। क्या बात है, वेरी गुड माधुरी, वेरी गुड आइडिया। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है माधुरी, क्या बात है। मैंने अभी अभी वही तो बोला आपसे। यस यस, गुड आइडिया माधुरी, थैंक यू मंदार। बाबूजी खाना आ रहा है। दया। अरे क्या हो? क्या है? अरे क्या क्या है, कितनी देर है खाने को? बापूजी रात देखते देखते 3 गिलास पानी पी चुके, ये चौथा गिलास पी रहे। ला रही हूँ, पहले टप्पू को दाने दीजिए। ओ हो, टप्पू अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। मजाक कर रहा था, अभी खाने का टाइम पे कहाँ गया टप्पू? अरे मैंने ही उसे भेजा है। वो क्या है, आज मैंने स्पेशल आइटम बनाई है ना, तो वो देने के लिए मेहता साहब के घर पर भेजा है। अरे वाह, आज स्पेशल क्या बनाया है? बैंगन का बर्गर। बैंगन का बर्गर, अच्छा टप्पू के लिए बनाया है, हमारे लिए जो बनाया वो तो लेकर आओ। नहीं, आप सबके लिए यही है। दया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, बर्गर कभी बैंगन का होता है? अरे आप चक्कर तो देखिए। अरे मैं तो दिल पे पत्थर रख के खा लूंगा, लेकिन बापूजी कैसे खाएंगे? मुझे चलेगा बापूजी, अब और राह नहीं देख सकता मैं, जो है वो लाओ। हाँ लाती। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ ना। मेहता साहब को दे आया। हाँ लाती। टप्पू, मेहता साहब ने खाया? हाँ एक बाइट खाया और फिर आपको फोन करने को बोला। चाचा जी मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अरे तू मास्टर का मास्टर ही रहेगा, ये तेरा स्कूल नहीं घर है, आजा। हाँ। क्या भीड़ है, क्या हुआ इस बार? वो टप्पू। टप्पू, तू मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देता, तुझे शर्म नहीं आती? ये जेठा, पहले पूछ तो ले उसने क्या किया। बापू जी इसमें पूछने का क्या है, कंप्लेन करने वाले बदलते हैं, बाकी इसकी शरारतें फिक्स होती है। देखिए टप्पू ने कुछ नहीं किया है। देखा, कुछ नहीं किया? क्यों कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया? हाँ। तो फिर तुम इधर क्यों आए हो? मैं टप्पू को शाबाशी देने आया हूँ। आज उसने मेरे सोनू को कुछ शरारती बच्चों से बचाया, और ऐसा सिर्फ एक भाई अपने बहन के लिए कर सकता है। अरे वाह टप्पू, तूने सोनू को बचाया? हाँ मम्मी, क्योंकि सोनू मेरी दोस्त है। अगर मैं टप्पू को कहूँ कि वो सोनू से राखी बंधवाए तो वो मानेगा नहीं, लेकिन कहना तो है।
कैसे कहूँ? मुंह से किसको क्या कहना है बोलो। नहीं, मैं कह रहा था कि परसों रक्षाबंधन है। हाँ तो उस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। क्या बात करते हो, हमारे में भी और रक्षाबंधन के दिन ही बहन भाई को राखी बांधती है। क्या भिड़े, तुम क्या बोलने है, क्या चाहते हो बोलो ना भाई। नहीं, मैं कहना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बहन ना होते हुए भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्यों चाचा जी? हाँ हाँ, अरे हमारे गांव में तो समूह रक्षाबंधन मनाया जाता था। समूह समझते हो ना, क्योंकि अगर किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, तो वो भी साथ में रक्षाबंधन मना सके। ने चौक में मिलते थे और खाना पीना जलसा होता था, और मजा तो तब आता था कि जिसको राखड़ी नहीं बंधवानी हो उसे भी जबरदस्ती सबके सामने राखड़ी बंधवानी पड़ती थी। बुजुर्गों के सामने ना नहीं बोल सकते थे। दादाजी, आप खुशी से राखी बंधवाते थे या जबरदस्ती से? अरे ए टप्पू, दादाजी को ऐसा नहीं पूछते। तुम क्या कर रही हो, कुछ खाने को दोगी कि नहीं? मैं जा ही रही हूँ। तो आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे लगता है पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। नहीं नहीं, कोई पार्टी शार्टी नहीं है, सभी लोगों को आने दो फिर शुरुआत करेंगे। हाँ सब लोग आ गए, मैं लेट हो गया आपके स्कूल में। अरे मैं तो सब आप इधर है, मैं आपको ढूंढने आपके घर पे गया था। कोई बात नहीं, अभी मीटिंग। हाँ तो सभी लोग आ गए हैं, तब मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। भाई और बहनों, हम सोसाइटी में एक फंक्शन मना रहे हैं जिसमें आप सभी को आना है। वाह वाह, बहुत बड़ी आइडिया है भिड़े, फंक्शन रखना ही चाहिए सोसाइटी में। क्या है, फंक्शन के बहाने सब एक दूसरे से घुल मिल के मिल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ फंक्शन में सबको आना ही चाहिए। ए बेवकूफ, उसको पूरा बोलने तो दे। ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा ऐसा करते रहते हैं, किसी का सुनते नहीं, किसी को बोलने नहीं देते, खुद ही बोलते रहते हैं। तुम कितना बोलती हो, चुप रोने भाई, अभी बोलने तो भिड़े भाई को। हाँ बोलो। देखिए मैं चाहता हूँ किसे मुझे मेरे कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाया जाए। मतलब ये कि सोसाइटी की सभी औरतें सभी मर्दों को राखी बांधेगी। इसका मतलब मुझे भी राखी बंधवानी पड़ेगी बबीता दीदी से? नहीं। ओए, मैं अपनी बीवी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। अरे सोढ़ी भाई, बीवी से राखी नहीं बंधवानी है, इसका मतलब यह है कि अपने पति को छोड़ के बाकी मर्दों को औरतें राखी बांधेगी। अच्छा विचार है। वेरी गुड। कन्नड़ा कौंडिल्य कुड़कुड़े, पन्नड़ा पौंडिल्य निरकुड़ा। करेक्ट। ऐसा थोड़ी कोई सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं मनाता है, तो हमें क्यों मनाना है अपनी सोसाइटी में सार्वजनिक रक्षाबंधन? अरे जेठा भाई शांत हो जाओ यार, बात तो सुनो उसकी पूरी। मेहता साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको रक्षाबंधन मनाना है वो अपने घर में, मतलब भाई बहन आपस में मना लेंगे ना। देखिए अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, पवित्र भावनाएं खत्म हो रही है, शुद्ध प्रेम कम होता जा रहा है, मान सम्मान कम होता जा रहा है। और जैसा कि बचपन में हम सभी को स्कूल की किताब में प्रतिज्ञा सिखाई गई थी कि सारे भारतीय हमारे भाई बहन है। अरे कौन सिखाता है ऐसा उल्टा सीधा? अरे देखो भाई, हम भी स्कूल में गए, हमने भी किताब पढ़ी है, कभी कोई किताब में ऐसा कोई सिखाता ही नहीं है। मेहता साहब आप ही बताइए, कोई किताब में ऐसा कोई सिखाता है? जी है? और जेठा भाई ऐसे सवाल पूछ के सबके बीच में अपनी मजाक मत उड़वाइए। सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाने से हमारा भाईचारा बढ़ेगा। ओ जी, बहन चारा भी बढ़ता है। ओ सार्वजनिक रक्षाबंधन, ओ मैं तो कहता हूँ ये गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं पूरे विश्व में मनाना चाहिए। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो सोटी। देखो भाइयों बहनों, मतलब एक
आदमी का फालतू प्रवचन सुन के सार्वजनिक रक्षाबंधन सबको क्यों मनाना है? मैंने कैंसिल करो ये सार्वजनिक। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? मैंने कुछ अच्छा सुझाव दिया था। अरे भैया अरे मैं समझाता हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए, मछली बाजार मत बनाओ इसे भाई, शांत हो जाओ। ठीक है, पढ़े लिखे हैं मेहता साहब, बताएंगे। देखो आप हर चीज को नेगेटिवली क्यों सोचते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। करेक्ट भाभी, देखो क्या है, बाद में झगड़ा होगा तो फिर मुझे मत बोलना। क्या झगड़े होते हैं? मैं भाभी के साथ बात कर रहा हूँ ना, तो तुम क्यों बीच में टपक रही हो, मुझे बात करने दो। देखो भाभी क्या है, एक बहन कितने भाई को राखी बांधेगी है? और मान लो इतने सारे भाई, उसमें से एक भाई तो ऐसा होगा ना जिसको राखी नहीं बांधवानी है, तो मान लो कि उसके मन में खोट है। आपको कैसे पता चला? अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। भिड़े तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो। अरे इस जेठा को तो मैं समझा के, नहीं तो लात मार के मना लूंगा। अरे सुनो सुनो, ये इस बबू चक की बात मत मानना तुम लोग। भिड़े तुम आगे बढ़ो। हाँ तो ये तय रहा कि हम सभी लोग सार्वजनिक रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये क्या बाबूजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी सोसाइटी के सामने मेरा अपमान नहीं करना चाहिए बाबूजी। बाबूजी हमेशा जो करते हैं वो सही करते हैं। तू चुप रहे। हाँ वही बोला बाबूजी। अरे तुझे बोल रहा हूँ गधेड़ा। और मुझे एक बात बता, ये समूह रक्षाबंधन से तुझे तकलीफ क्या है? बापूजी आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। तो मुझे बताइए, मैं समझूंगी। बापूजी ये जो समूह रक्षाबंधन की प्रथा है ना, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है, जिम्मेदारी का त्योहार है। किसी ने मुझे राखी बांध दी तो जिंदगी भर के लिए उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी ना। अभी मान लो हमारी सोसाइटी में से 10 औरतों ने मुझे राखी बांध दी, अभी हर एक औरत के महीने में 3 प्रॉब्लम तो होते ही है, तो 10 औरत के हिसाब से महीने के 30 प्रॉब्लम हो गए, तो मेरा तो पूरा महीना उनके प्रॉब्लम सोल्व करने में ही जाएगा। तो मैं दया और टप्पू का ध्यान कब रखूं, हैं दया? तो आप हमारी चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप पूरा दिन दुकान पर रहते हैं तो हम हमारा देख लेंगे। 10 महीने 3 प्रॉब्लम 1 महीना, वो सब इतना लंबा मत सोच, दिमाग छोटा हो जाएगा। अरे पर बापू जी, चुप रहे, सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो तू भी उनका साथ दे। बापू जी मेरी बात तो सुनिए। फिर क्या सोचा? हाँ ना ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बबीता से राखी नहीं बंधवाऊंगा, नहीं बंधवाऊंगा तो नहीं बंधवाऊंगा। सार्वजनिक रक्षाबंधन की घोषणा की है भिड़े साहब ने गोकुलधाम सोसाइटी में, है ना कमाल की बात। त्योहारों का देश है भाई हमारा हिंदुस्तान। अरे हाँ, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है कल हमारा स्वाधीनता दिवस, आपको बहुत बहुत बधाई। गोकुल धाम सोसाइटी में जब मनेगा सार्वजनिक रक्षाबंधन, तब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या होगा। क्या भिड़े अपने इरादों में कामयाब होंगे? क्या जेठालाल बबीता से राखी न बंधवाने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे? क्या सोनू टप्पू को राखी बांधेगी? अब हर क्या का जवाब तो आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा, तो मेरे साथ देखना मत भूलिएगा। क्या फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.